पूरा समर्थन करते हैं, महिला का समर्थन पूरा है, चूल्हा एकदम साफ है इनके लिए। अच्छा, आप नेता होता है क्या? नहीं नहीं, हम जो पहले चुने हुए थे और अब वो दोनों जैसे काम किए हैं उससे हमको लगता है और ज़्यादा वो बढ़ चढ़ के काम कर सकते हैं, क्योंकि जितना विकास इस बार हुआ, जैसे इंदिरा आवास हो गया, नल जल हो गया, रोड सड़कें जो बनी, वो हमको लगता है इतना जितना इन्होंने किया है ना, उतना किसी मुखिया ने नहीं किया होगा। मैं बलिया प्रखंड के बड़ी बलिया उत्तरी पंचायत में हूँ और यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण को हमने इकट्ठा करवाया है। इनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में जो विकास के काम हुए उससे कितना खुश हैं, क्योंकि मैं आप तमाम लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि बड़ी बलिया उत्तरी के पंचायत प्रतिनिधि राजकुमार गुप्ता जी हैं। कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए गए थे, उसके संबंध में भी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो षड्यंत्र थी उसको आप जानते भी हैं। मुझे लगता है कि पूरा जिला इस षड्यंत्र को बखूबी समझ चुका है, तो बड़ी बलिया उत्तरी की जनता आखिर क्यों नहीं समझी? हम बड़ी बलिया उत्तरी की जनता के समक्ष हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि बड़ी बलिया उत्तरी में विकास का काम कैसा? बढ़िया हुआ, बेगूसराय जिला में हमारे पंचायत में उत्तरी बड़ी बलिया क्षेत्र में बढ़िया काम हुआ है और बढ़िया काम होंगे। आपके पास टोटल 10 मार्क्स हैं, 10 अंक देने हैं, कितना अंक मिलेगा निवर्तमान मुखिया को, कितना नंबर दीजिएगा काम के लिए? इनको 100% नंबर, 100% नंबर दीजिएगा। अच्छा बाबा, आप बताइए क्या लग रहा है बड़ी बलिया उत्तरी में विकास उकास दिखा? बहुत बहुत। क्या सब हुआ? सारे जगह रोड बनाए, जनता को भलाई किए हैं जी। आपको कुछ फायदा हुआ? हमको भी फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? अब विकास फायदा नहीं हुआ, रोड पर जहाँ कीचड़ था वहाँ कीचड़ नहीं है, एकदम चमन है, हर चीज सुख से चल रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार का क्या स्थिति बनेगा यहाँ? इस बार बढ़िया बनेगा, बढ़िया रहेगा जी। बाबा आपको क्या लगता है? बहुत सुंदर। पेंशन मिलता है वृद्धावस्था पेंशन? हाँ हाँ। कब से मिल रहा है पेंशन? बहुत दिन से मिल, बहुत दिन से मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, पक्ष विपक्ष में नहीं होना, नहीं नहीं, अपना आप जनता है, आप अपना बात कीजिए। विकास हुआ पंचायत में 100% से ज्यादा? जितना विकास हुआ जैसा हम समझते हैं जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में हुआ हुआ है, एक नंबर पर विकास किया। ऐसा कौन है आपके प्रतिनिधि का क्या नाम है? हमारे प्रतिनिधि का काम नाम है श्रीमती रेखा देवी। अच्छा, रेखा देवी जी, यानी राजकुमार जी की पत्नी? पत्नी है। आप भैया, आप तो युवा हैं, आप आपका तो सोच अलग होगा कि विकास कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। क्या सब विकास हुआ, कुछ तो बताइए। रोड बन गया, गली गली रोड बन गया। अच्छा, पानी आता है आपके यहाँ नल जल वाला? नल जल तो लग चुका है, पानी भी थोड़ा थोड़ा आया था 10 दिन। नल जल की समस्या सब जगह है, इसलिए हम आपसे भी पूछ रहे थे। नल तो बहुत लग चुका है, पानी भी दस। आपके यहाँ पानी जाता है जी? नल लग चुका है, पानी भी पानी नहीं जाता है। आप बताइए क्या लगता है आपको? ठीक ही लगता है। इस बार चुनाव में कैसा रहेगा, बहुत जनता का रुख कैस किस तरफ जा सकता है? जी, विकास की तरफ जा सकता है। जो विकास किया है उसके तरफ जाए जी। ठीक, महिला है आपके यहाँ, महिला प्रतिनिधि है मुखिया जी। आप लोगों के सम्मान के लिए कैसी लड़ाई लड़ी 5 सालों में? बहुत ज्यादा जो है सो जिसको कहता है बढ़ चढ़ के लड़ना, वह लड़ाई लड़ी है और फिर ये विजय होंगी। आप लोग समर्थन कर? एकदम पूरा समर्थन करते हैं, महिला का समर्थन पूरा है, चूल्हा एकदम साफ है इनके लिए। अच्छा, क्यों ऐसा समर्थन कीजिएगा? क्यों, क्यों नया भी तो हो सकता? नया भी हो सकता है, लेकिन जो पहले विकास कर चुकी हैं उनके लिए फिर हम दूसरा ढूंढेंगे, वैसा विकास होगा या ना होगा कोई कहना गारंटी नहीं है, इनकी गारंटी है। अच्छा, मतलब निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ जाना नहीं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? करुणा कुमारी। आप नेता होता है क्या? नहीं नहीं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। हाँ प्रीति जी, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव को लेकर? देखिए, इस बार का चुनाव तो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, सब अपना अपना ये कर रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि हम जो पहले चुने हुए थे और अब वो दोनों जैसे काम किए हैं उससे हमको लगता है और ज़्यादा वो बढ़ चढ़ के काम कर सकते हैं, क्योंकि जितना विकास इस बार हुआ, जैसे इंदिरा आवास हो गया, नल जल हो गया, रोड सड़कें जो बनी, वो हमको लगता है इतना जितना इन्होंने किया है ना, उतना किसी मुखिया ने नहीं किया होगा,
क्योंकि जितना इंदिरा आवास इनके टाइम में दिया गया ना उतना इंदिरा आवास किसी मुखिया ने, ये इनके हैं कौन, इनका मतलब ये कौन? राजा मुखिया है। अच्छा। इनकी वाइफ है रेखा देवी जो हमारी मुखिया है, तो हम तो राजा मुखिया से ही जानते हैं क्योंकि वो सारे लोग घूमते हैं। सारे लोग, महिलाओं को आरक्षण मिला, लेकिन लेकिन महिलाओं का आरक्षण कहीं ना कहीं पुरुष छीन लेते हैं। छीन नहीं लेते हैं, मुखिया जी तो हो जाते हैं, नहीं छीन नहीं लेते हैं, हैं अपने पास छीन नहीं लेते हैं। अच्छा। उनके सपोर्ट में वो खड़े हैं, समर्थन में खड़े हाँ, रहते हैं, बिल्कुल सपोर्ट। अच्छा, में वो आपको खड़े क्या हैं? लगता है हमको तो लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे और बस जोर शोर से लगे हुए हैं कि बस यही मुखिया बनना। आप अपनी महिलाओं से कुछ कहिए, चूँकि आप भी महिला हैं, प्रतिनिधि भी महिला हैं, तो महिलाओं से कहें कि महिला तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम सब लगे हुए क्या। अच्छा, महिलाओं के लिए कुछ संदेश दे सकते हैं? महिलाओं के लिए यही संदेश है कि जिस तरह इन्होंने विकास पिछले 5 सालों में देखा है उससे कहीं ज्यादा और विकास देख सकती हैं, इसलिए इनका सपोर्ट करें और इनको वोट दे के बहुत ज्यादा से ज्यादा इनको विजयी बनाएं। आप क्या कहेंगे महिलाओं को? हम यही कहेंगे जैसे खुल के 5 साल में महिला जी है और आगे भी जीने की इच्छा रखे महिला का, क्योंकि महिला जो होती है एक शक्ति है। आप लोग नीतीश कुमार जी को गद्दी दिलवाए हैं, नीतीश कुमार जी को गद्दी दिलवाए हैं, तो नीतीश कुमार जी हमको सम्मान भी दिए हैं, सम्मान भी दिए हैं और महिला का अधिकार भी 5 साल में जो वो भी दिए थे, नीतीश सर भी दिए थे और जो रेखा दीदी दी हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं मुखिया जी के साथ जो 5 साल में ज्यादा सम्मान मिल रहा है। क्या लगता है रेखा जी से सम्मान मिला? हाँ जरूर मिला है, तब तो हम बोल रहे हैं, नहीं तो नहीं बोलते। तो उम्मीद क्या करते हैं अपनी महिला समाज के लिए? महिला समाज से यही उम्मीद करते हैं कि फिर विजय प्राप्त करेंगे। 5 साल में काम कैसे? बहुत बढ़िया मुखिया है, हमारे लायक है, हमारा ऐसा मुखिया को जरूरी है, बुझे? अच्छा। मुखिया बनने लायक जो आपको समाज में पूछने लायक है, टहलने लायक है, वो मुखिया चाहिए। मुखिया गुप्त आएगा और 2 दिन आया गंज घुमा लिया, वैसा मुखिया नहीं चाहिए। सब दिन मुखिया जाए, मुखिया बनने लायक है, इसको हम चाहते हैं फिर ही बने। अच्छा, आप लोग चाह रहे हैं कि फिर से बने? हाँ, चाह रहे हैं फिर से बने। बने मुखिया तो ऐसा बलिया प्रखंड में भी नहीं है, बलिया प्रखंड में नहीं है। अच्छा अच्छा, तो सड़क उड़क बन गया, आपको क्या सब फायदा हुआ? फायदा जो देखते देखते हैं कच्ची जाते थे पक्की हो गया, गली कुची सब बन गया है। मान को लगी है जे हेर खुज को कहता है कि रोवा बनवा लीजिए, हम कहने के लिए नहीं आते, वो कहता है। तो वैसा मुखिया नहीं खोजेंगे तो किनका खोजेंगे?